विवेक से हम न सिर्फ दूसरों के अपने प्रति हानिकारक इरादों और व्यवहार को पहचान कर सतर्क हो सकते हैं, बल्कि इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं कि हमसे तो कहीं जाने अनजाने किसी का नुकसान नहीं हो रहा, और यदि ऐसा हो भी गया तो स्थिति को सुधारा कैसे जाए। संवेदना हमें दक्ष बनाती है, न सिर्फ दूसरों के दर्द को समझने में, बल्कि जिंदगी हमें दूसरों की परिस्थिति, तथ्य, परिपेक्ष और दृष्टिकोण को देखने की प्रतिभा भी प्रदान करती है। पर सच्ची संवेदना का विकास सरल नहीं है। इसके लिए सबसे पहले अंदर के स्वार्थ और अहम को हराना पड़ता है, और जिसने वो कर लिया वही सज्जन व्यक्ति है। तो दोस्तों, इस भाग में यहीं तक। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगले आने वाले भागों में हम ऐसी ही और बड़ी सारी बातें करने वाले हैं। तो सुन, और हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की लिखी किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की। इस भाग में जिस गुण के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है संवाद, यानी संचार, और जिसे हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं। वैसे तो हम इंसानों के अंदर एक बड़ी अद्भुत शक्ति है जिसे हम कहते हैं भाषा और उसकी समझ, लेकिन क्या आपने कभी इस भाषा के परे सामने वाले के अंदर झांकने की कोशिश की है? जवाब अक्सर ना में ही आता है, या फिर ये सुना जाता है कि हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं लगती। पर सच तो ये है कि अगर हम अपने अलावा आसपास के माहौल, उसमें रह रहे लोगों की सच्चाई जानना चाहते हैं, उनके मन में चल रही बातों को जान पाते हैं, तो इससे बहुत सारी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। हम सब जो कहते हैं वो अधिकतर हम कहना नहीं चाहते, और जो कहना चाहते हैं वो नीरस है। इस बात को एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं, जिसके नायक का नाम है मिल्टन एरिक्सन।